व्हाट्सएप के यूजर्स को देने वाला है तगड़ा झटका। Realme लेकर आएगा कौन सा नया स्मार्टफोन और Google ने लॉन्च किया है कौन सा नया फीचर, ये तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं मानस तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का टेक टॉप 10। व्हाट्सएप बहुत जल्द ऐसे यूजर्स को झटका देने वाला है जो बहुत पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद कई पुराने iOS और Android स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। सबसे ज्यादा असर विंडोज फोन पर हो सकता है। गूगल अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाया है जिसके तहत आप एक ईमेल में दूसरे ईमेल को अटैच करके भेज पाएंगे। ये फीचर बहुत जल्द सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। जीमेल यूजर्स को अपने मेन्यू में बाकी ऑप्शंस के साथ एक फॉरवर्ड एज अटैचमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा जिसे यूज करके वो ईमेल अटैच कर पाएंगे। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन वीवो V17 लॉन्च कर दिया है। 22,990 रुपए की कीमत वाला ये फोन मिडनाइट ओशन और ग्लेशियर आइस कलर में लॉन्च किया गया है। वीवो V17 में 6.44 इंच का सुपर आमलेट डिस्प्ले दिया गया है और साथ में स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर यूज किया गया है। Xiaomi का स्मार्टफोन Redmi K30 चीन में लॉन्च हो गया है। ये फोन 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है। ये फोन 4G और 5G दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। Redmi K30 5G मॉडल की कीमत करीब 20,000 रुपए से शुरू होती है। Asus ने भारत में अपने गेमिंग स्मार्टफोन Asus ROG Phone 2 के 12GB वेरिएंट की बिक्री शुरू कर दी है। 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला ये पावरफुल स्मार्टफोन कुछ महीने पहले भारत में लॉन्च हुआ था और अब तक सिर्फ 8GB RAM के साथ अवेलेबल था। नए मॉडल की कीमत 59,999 रुपए है और इसके साथ बॉक्स में ही 21W का फास्ट चार्जर और एक्टिव कूलर भी मिलेगा। Realme अगले हफ्ते भारत में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम होगा Realme X2। ये फोन Realme X2 का अपग्रेडेड मॉडल है जिसमें स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट यूज किया गया है। ये फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है और इसमें भी Realme ने 64 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया है। इस फोन की कीमत 20,000 रुपए से कम रहने की उम्मीद है। Realme X2 के साथ ही कंपनी अपने पहले वायरलेस ईयरबड्स भी लॉन्च करने की तैयारी में है। Realme Buds Air दिखने में काफी हद तक Apple AirPods जैसे ही हैं और इनकी कीमत 4,999 रुपए हो सकती है। माना जा रहा है कि Realme Buds Air वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेंगे। Huawei ने अपनी स्मार्ट वॉच amazfit GTR के दो स्पेशल मॉडल लॉन्च किए हैं। 14,999 रुपए की कीमत वाले टाइटेनियम मॉडल में 47mm का डायल यूज किया गया है, वहीं ग्लिटर मॉडल में आपको 42mm का डायल मिलता है और इसकी कीमत 12,999 रुपए रखी गई है। दोनों ही घड़ियों में 12 तरह के स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी डेल ने एंट्री लेवल गेमर्स के लिए एक नया गेमिंग डेस्कटॉप लॉन्च किया है। डेल G5 नाम के इस लैपटॉप की कीमत 67,590 रुपए रखी गई है। इस लैपटॉप की खासियत यह है कि ये 9th जनरेशन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है और शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। ट्विटर ने इस हफ्ते 2019 के सबसे पॉपुलर ट्वीट्स की लिस्ट जारी की। ट्विटर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था वो इस साल का गोल्डन ट्वीट रहा, यानी उसे सबसे ज्यादा लाइक और रिट्वीट मिले। खेल जगत का सबसे सुपरहिट ट्वीट रहा विराट कोहली का, जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर किया था।